फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप में बिना मैसेज टाइप के आप अपने फ्रेंड को कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन व्हाट्सएप के तीन ऐसे कूल टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टॉप चैनल। तो गाइस चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल हर फोन में क्या व्हाट्सएप देखने को मिलता है, तो गाइस ये क्या आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या नए सिम परचेज करते हैं, उसके बाद वो अपने जो व्हाट्सएप होता है पुराने अकाउंट को डिलीट नहीं मारते और नए नंबर से व्हाट्सएप बना लेते हैं। फ्रेंड उनको क्या करना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि उनको पहले पुराना जो अकाउंट रहता है उसको व्हाट्सएप को डिलीट मार के नए नंबर से व्हाट्सएप बनाना चाहिए। तो गाइस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पुराने अकाउंट को डिलीट नहीं करते, जिससे कारण हैकर्स क्या उन व्हाट्सएप को हैक करके उसका मिसयूज करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या है पुराना जो व्हाट्सएप डिलीट करना है, उसके बाद अपने अकाउंट को नया जो सिम आप परचेज करते हैं उसके नंबर से व्हाट्सएप बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको एक थ्री डॉट का एक ऑप्शन आएगा, थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसके पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डिलीट माई अकाउंट का एक ऑप्शन शो होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। फिर जो आपको जिस नंबर से आपने जो पुराना व्हाट्सएप बनाया होगा उस वहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। तो फ्रेंड ऐसे आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और अपने इसको डिलीट करने के बाद आपको नए नंबर से फिर व्हाट्सएप बनाना है। सेकेंड टिप क्या है, जैसा कि आप लोग कोई ट्रैवल कर रहे होंगे और आपको अपने फ्रेंड को क्या एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करनी होती है, तो वो फ्रेंड आप एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं कर पाते हैं और उसको आप बता भी नहीं पाते कि आप एग्जैक्ट लोकेशन आपकी है क्या और कहाँ पर आप लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है, उसका अकाउंट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जैसे मुझे इसको अपना अकाउंट अपना लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करनी है, शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैमरे के पास आइकन शो होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोकेशन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर लोकेशन के आप ओके होएगा, यहाँ पर आप ये अपना लोकेशन ऑन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन आप उसको बता सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड टिप में क्या है, आप जो फेसबुक मैसेंजर जो चलाते हैं उसमें आपको एक पॉपअप शो होगा, जैसा कि आप स्क्रीन शॉट साइड में आप देख रहे होंगे ऐसा, जैसा कि आप तो उसमें भी ये फीचर जो व्हाट्सएप में भी सब आज सबको दे दिया है। फ्रेंड्स उसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको थ्री डॉट का एक आइकन आएगा, वो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा फ्रेंड। फिर उसके बाद ये आपको पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर तो गाइस इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड यहाँ आपको अगर पॉपअप नहीं शो रहा होगा तो फ्रेंड्स इस पर आपको नो पॉपअप लिंक पर क्लिक किया होगा, इस पर इस नो पॉपअप, तो फ्रेंड इसके लिए आपको नो पॉपअप पर क्लिक किया होगा। उसके बाद आपको ऑलवेज शो पॉपअप पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको जो कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे होंगे तो वहाँ जैसे मैसेंजर पर वैसे आपको पॉपअप शो हो जाता है, वैसे इसमें भी आप अपना व्हाट्सएप पे जो आप पॉपअप शो करा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्रेंड को बिना मैसेज टैग किए आप कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ आपको एक गूगल असिस्टेंट का एक ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक कर लेना और बाकी सारे ऑप्शन आपको आएगा अलग का जो ऑप्शन आएगा आप सब आप अपना इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट करना। फिर उसके बाद वहाँ पर गूगल पे क्लिक कर लेना है, वहाँ पर आपको गूगल पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जिसको मैसेज सेंड करना है तो वहाँ पर आपको बोल देना कि हेलो गूगल सेंड टू मैसेज अदर पर्सन, जिसको भी आप मैसेज सेंड करना है वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो उस पर जैसे तो इसके थ्रू है ना आप अपने आप व्हाट्सएप आपको टाइप करने की जरूरत भी नहीं है और ऐसे आप अपने डायरेक्ट मैसेज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ये टिप मैंने आपको बताई जो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।